हैव यू एवर फेल्ट सो डाउन कि इंस्टाग्राम पर सेम ही कंटेंट पिछले 4 घंटे से स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग? कभी सोचा है वाई आर यू जस्ट अ व्यूअर? व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग? फ्रॉम कैप्चरिंग द वर्ल्ड थ्रू योर आईज, द ब्राइटेस्ट सनलाइट or the darkest night? Is it distractions around you? Or maybe it's just you stopping yourself. Sometimes you just need to pause and take a moment to appreciate the details in the world. And let it be your motivation to start creating. The all new Sony FX30 can be your motivation to see the beauty of world and share it with others. Content creation is a tough and long journey and especially अगर आप videos बनाते हैं तो you need a perfect camera to film whatever you can imagine. आज हमारे पास है ऐसा ही एक perfect camera from Sony, the Sony FX30. Seriously, this camera is a beast when it comes to videography and filmmaking. ये एक super 35 सेंसर के साथ आता है and this is a cinema camera. मतलब इससे आपकी normal videos भी ना बिल्कुल cinema वाली feel देगी क्योंकि ये support करता है 10 bit 4:2 internal recording जिससे आपके colors ओहो भाई, इससे shoot की हुई videos को color grade करते हैं ना, अलग ही मजा आता है. ये साइड बाय साइड आप कंपैरिजन देख सकते हैं कलर्स का, कितनी सारी कलर्स की डिटेल को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं. कलर से याद आया, इसमें S-Log 3 के साथ साथ कस्टम लट्स को इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी है. मतलब आप अपने सीन के अकॉर्डिंग कोई भी लट फाइल को इसके पहले मेमोरी कार्ड के अंदर डाल दो, फिर कैमरा को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप इंटरनली उस लट फाइल को अप्लाई करके अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं, विच इज ग्रेट. आपको बाद में एडिटिंग में कलर ग्रेड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं. स्पेशली अगर आप व्लॉग वगैरह करते हो तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है, इन कैमरा आपको वीडियो कलर ग्रेड होकर मिल जाएगी. इसके अलावा मैंने इस कैमरा का यूज करके कुछ बहुत ही हार्ड लाइट में वीडियो को कैप्चर किया है. अगेंस्ट द सन एंड डायनेमिक रेंज वॉज ऑन द नेक्स्ट लेवल. मतलब 14+ स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज का फायदा तो है. लो लाइट में भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है. इसका सबसे बेस्ट फीचर मेरे को लगा डुअल बेस ISO. मतलब ये कि आपकी लो लाइट वीडियोस में बहुत ही कम नॉइस आएगा अगर आप 800 या फिर 2500 के बेस ISO पे शूट करते हैं. ये शॉट देखो मैंने बहुत ही लो लाइट में लिया था एंड 2500 के बेस ISO पे, एंड नॉइस लेवल देखो कितने कंट्रोल्ड है. डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट लगा मेरे को, बहुत ही मस्त हाथ में ऐसे फिट हो जाता है. एंड इसके साथ ये टॉप बार हैंडल मिलता है जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें इनबिल्ट 2 XLR इनपुट है जिसके अंदर आप अपने प्रोफेशनल माइक्स को लगा सकते हैं एंड पॉडकास्टिंग वगैरह करने के लिए बहुत ही काम की चीज़ है. इसमें आपको ऑडियो गेन्स एंड लेवल्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो मतलब अपनी ऑडियो को आप इन कैमरा ही बहुत ही परफेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं. हाँ, इसका एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा वो ये कि इसके अंदर ना आपको व्यू फाइंडर नहीं मिलता है. स्पेशली मैं जो फोटो क्लिक करता हूँ मैं व्यू फाइंडर में देख के क्लिक करता हूँ एंड इसके अंदर वो व्यू फाइंडर नहीं है. एंड वो शायद इसलिए क्योंकि ये डेडिकेटेड फोटो कैमरा नहीं है, ये एक सिनेमा कैमरा है. हालांकि ये फोटोज क्लिक करता है एंड काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक कर लेता है, बट इसमें आपको वीडियो के फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू फोटो. ये आता है डुअल SD कार्ड स्लॉट के साथ एंड अगर बात करें फ्रेम रेट्स की तो ये शूट कर सकता है 4K अप टू 120 FPS एंड फुल HD अप टू 240 FPS. तो मतलब आप वो सिनेमैटिक स्मूथ बटरी स्लो मोशन इस कैमरा की मदद से अचीव कर सकते हैं. ये कुछ टेस्ट शॉट है जो मैंने इस कैमरा से शूट किए हैं एंड आप देख सकते हो क्वालिटी ऑफ कलर्स कितनी सिनेमैटिक लग रही है, फोकसिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ए कैमरा जो आपकी वीडियो को बहुत ही सिनेमैटिकली शूट कर सके तो आई थिंक Sony FX30 इज अ परफेक्ट चॉइस. बाकी लेट मी नो इन द कमेंट्स आप इस कैमरे के बारे में क्या सोचते हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.